दोस्तों, पिछले दिनों सेना ने कई राज्यों के लिए भर्ती रैलियों के नोटिफिकेशंस जारी किए थे, लेकिन इस महीने होने वाली कुछ भर्ती रैलियों के स्थगित होने से लग रहा है कि सेना अपनी आने वाली बाकी रैलियों को भी स्थगित कर सकती है। और इसी के चलते सेना भर्ती कार्यालय मंडी से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिख कर जाएं, ताकि हम आपके जिले की भर्ती की जानकारी सबसे पहले ला सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में सेना ने अपनी इसी महीने होने वाली 3 भर्ती रैलियों को स्थगित कर दिया था, जिससे कि देश के काफी युवाओं को अन्य राज्यों की आने वाली भर्ती रैलियों के आयोजन पर शंका बनी हुई है। इसी के चलते कल सेना भर्ती कार्यालय मंडी के कर्नल एम राजा राजन द्वारा सेना में खुली भर्ती को 6 नवंबर से 16 नवंबर तक मंडी, कुल्लू या लाहौल स्पीति मैदान में अपने निश्चित समय पर ही होने की सूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, यह भर्ती सिपाही सामान्य ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, सोटकीपर तकनीकी और सिपाही फॉर्मा ट्रेड के लिए आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवा भाग ले सकेंगे, जिसके लिए सेना ने पहले ही नोटिफिकेशन को जारी कर दिया था। इन जिलों के लिए सैनिक ट्रेडमैन के लिए भी भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा रामपुर, जुंगा, सोलन या पोंटा साहिब में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कर्नल एम राजा राजन ने इन 3 जिलों के सभी युवाओं को सूचित करते हुए कहा कि इस सेना भर्ती में युवाओं को भाग लेने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए सभी युवा 28 अगस्त तक सेना की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर लॉगिन करके जरूर कर देवें। इस पंजीकरण होने के पश्चात ही युवाओं को भर्ती रैली से 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही सेना भर्ती को लेकर हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।